नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, लाइफ में हमेशा रहे पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव बंदे ही लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, सफलता की सारी सीढ़ियां वही लोग पार करते हैं। तो चलो गाइज, इसके साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑलिव ऑयल की कितनी वेराइटीज होती हैं, कौन सा ऑलिव ऑयल किस पर्पज के लिए यूज होता है। पहली तो बात करते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है दोस्तों, वो होता है हेल्दी फैट्स। उसमें जो आपको जो हेल्थ फैट मिलता है, वो मिलता है हेल्दी फैट, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे एक फिटनेस लाइफस्टाइल। अगर आप एक सोच रहे हो कि यार मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपको देगा ये वाला फैट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट। तो गाइज, अनसैचुरेटेड फैट होता है मोस्टली, अगर आप एक सर्विंग की बात करोगे, एक सर्विंग, एक चम्मच जो आपको ऑलिव ऑयल होता है, वो आपको देता है क्लोज टू अराउंड 7 to 9 grams ऑफ हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मार्केट में सारे जितने भी ऑलिव ऑयल होते हैं, वो अलग अलग प्ले रोल करते हैं। वैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ, तीन तरह के ऑलिव ऑयल होते हैं दोस्तों। पहला होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप जाते हो मॉल में, आप जाते हो घूमने फिरने कहीं पे भी, तो आप लोग जब सैलड खाते हो, तो सैलड के ऊपर जो सॉस, ये आपका जो सॉसेस डालते हैं, उसके साथ डालते हैं एक तरह का ऑयल, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको हम खाते हैं कच्चा। हम लोग उसको पकाते नहीं है, बिकॉज वो पकाया ही नहीं जाता। अगर उसको आप पका दोगे उस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को, तो उसकी सारी न्यूट्रिशन चली जाएगी और दैट विल ईजिली वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। अब दूसरा जो ऑलिव ऑयल होता है, दैट्स कॉल्ड वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या होता है? वर्जिन ऑलिव ऑयल भी एक टाइप है ऑयल का, लेकिन वो ऑलिव ऑयल होता है सौते करने के लिए। उसको आप पकाया जाता है 20 से 30 सेकेंड। जी हाँ गाइस, 20 से 30 सेकंड आप उसको पकाते हो, जस्ट टू मेक श्योर आप वेजिटेबल को सौते करने के लिए, या आपको कोई ऐसी चीज गर्म करनी है, फटाफट उसको सौते किया, आप लोगों ने वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं उसे। उसको ज्यादा पकाया नहीं जाता। अगर उसको भी आप ज्यादा पका लोगे, तो वो भी भैया आपका ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने बात कर ली है दो ऑलिव ऑयल की, पहला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और दूसरा है वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हम कुक नहीं करते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल को हम हल्का सा कुक करते हैं 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि हम लोग अपने वेजिटेबल्स को सौते कर लें, राइट। तीसरा जो ऑलिव ऑयल है, दैट्स कॉल्ड पोमेज ऑलिव ऑयल, जो कि मैं भी यूज करता हूं। मैं उसको सबसे ज्यादा यूज करता हूं पोमेज ऑलिव ऑयल को, बिकॉज मेरे घर में जो खाना बनता है वो बनता है ऑलिव ऑयल से। मैं ना ही कोई वनस्पति ऑयल यूज करता हूँ, ना ही मैं कोई यू नो सोयाबीन ऑयल यूज करता हूँ, या ना ही मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करता हूँ, या सरसों का। मैं ये सब ऑयल यूज करता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इसके कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है और ये आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम में देने वाला है। तो प्रॉब्लम जो चीज देती है, तो उसको क्यों खाना है? जब आपको पोमेज ऑलिव ऑयल, देखो गाइस, थोड़ा सा महंगा है पोमेज ऑलिव ऑयल, ऐसा नहीं है सस्ता है, वो थोड़ा सा महंगा है। कोई भी आप ब्रांड लोगे मार्केट में, डिसानो हो गया, लिनार्डो हो गया, यू नो ऑलिव हो गया, तो ये सब ब्रांड काफी एक्सपेंसिव है। मतलब अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपनी हेल्थ के लिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हेल्थ से बढ़िया इन्वेस्टमेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ये आपको मैं बता दूं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप चीजों को पॉजिटिवली लोगे, और पॉजिटिवली लोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, जो मेरा मानना है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया पिछले 5-6 साल से। तो जब आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, बस आपको खाना वही खाना है। मैंने आपको खाना कभी चेंज बोला है? मेरे किसी वीडियो में नहीं बोला है, लेकिन कुछ चीजों को बदलो, जैसे कि ऑलिव ऑयल के बारे में बता रहा हूं। अपने घर में जो भी ऑयल यूज करते हो, अपनी मम्मी को बोलो कि ऑयल चेंज करो, गो फॉर कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के तीन वेरिएंट होते हैं, आपको जो घर में कुकिंग के लिए यूज करना है, दैट्स कॉल्ड पोमेज ऑलिव ऑयल, राइट। और अगर आपको बहुत शौक है सैलड खाने का, कि भैया मैं सैलड बहुत पसंद, तो छोटा सा आता है उसका अपना बॉटल आती है छोटी सी, आप उसको खरीदिए और वो बहुत अच्छा चलेगा आपका। एक चम्मच डालिए और सैलड में, और स्वाद अच्छा है उसका काफी। और वर्जिन ऑलिव ऑयल कोई सौते करने हो वेजिटेबल, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे पोमेज को भी आप यूज कर सकते हो सौते करने के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। तो दोस्तों, यही होगी बात ऑलिव ऑयल की। अब आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं क्योंकि अपने सारे वीडियोज में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग सब मोस्टली बच्चे ही हो, तो अगर आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर आप लोग उसको यूज कैसे करोगे, राइट। ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप लीन बीस को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फॉलो करते रहें। चीयर्स।